जी आपका प्रोजेक्ट तो अप्रूव हो चुका है। कंस्ट्रक्शन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। प्लीज जी, हाँ वो कमिंग वीक में। हाँ हाँ, हम वही डिनर पर मिल लेंगे। जी जी, मैक्सिमम 1.5 ईयर। या श्योर, या ग्रेट। सिद्दीकी, तुम एक मुलजिम हो। मुलजिम भी वो जिसने बाले जुर्म कर लिया। क्यों, ऐसा ही है ना? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। सर वो खामोशी भी तो एक बाले जुर्म ही होती है सर। उसे क्यों घूर के देख रहे? कुछ गलत कह दिया उसने? और बैठे क्यों खड़े हो? खड़े मुलजिम, इतनी अकल इतनी तमीज होनी चाहिए, तुम मेरे सामने नहीं बैठ सकते। कमाल नहीं है? तो बजाय इसके कि तुम कोई माफी मांगो, कोई शर्मिंदा हो, कोई गिड़गिड़ाओ, कोई अपने 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 किए की तलाफी करने की कोशिश करो। बहुत कोई आला काम करके आए हो ना जो सामने सच के संवर के बैठ गए। सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी और जाते जाते अपना मुंह काला, क्या फायदा इसका? रकम कहां है जो लूटी थी? अब एक काम करो, उसमें उतनी ही रकम शामिल करो और वापस ले, वरना अपने अंजाम को तैयार हो जाओ। वक्त बहुत कम है। देखिए, कोई फ्रांसीसी तो नहीं बोल रहा, सीधी सीधी बात की है एक, साथ में यह भी बताया है कि वक्त कम है। ऐसी इंक्वायरी होगी, ऐसी इंक्वायरी सारी जिंदगी अंदर बैठ कर भी याद रखो। और तुम तो क्या, पूरे का पूरा दफ्तर याद रखेगा। सर पे मत खड़े हो, जाओ, वक्त जाया ना करो। बेवकूफ लोग, एक काम नहीं करना आता तो क्यों कर रहे हो भाई? इस ड्रामे की क्या जरूरत थी? अगर अपना ख्याल नहीं तो कम से कम मेरा तो किया होता। लोग कितने अजीब तरह से हमें देख रहे थे। So embarrassing. रोहेल, उमर सानी ने ऐसा क्या कह दिया था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि तुमने कॉफी का कप गिरा दिया? यार अगर तुम्हें कोई इसकी बात बुरी लगी भी तो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज चाइल्डिश। यार हैरत की बात है कि तुम भी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह सोचती हो। यू नो आई डोंट गिव अ हूट अबाउट दिस, दे आर वल्चर्स, आई एम नॉट अ प्रोडक्ट एंड दे वांट टू नो माय प्राइस, आई एम नॉट अ प्राइस टैग। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की।
मतलब उसकी साइड, उसने तुम्हारे सामने ही कहा था कि वो मेरा गाना अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हाँ तो इसमें क्या बुराई है? ऑफर ही का तो पूछ रहे हैं यार, तुम्हें इस लव ऑफर से कोई इशू नहीं। Listen, रोहिल, मुझे पता है तुम्हें इस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है, पर थिंक अबाउट दोस किड्स, वो डिसेबल बच्चे जिनको तुम जा जा के अपना गाना सुनाते हो। हम ये डील के पैसे उनको दे सकते हैं, सोचो ये पैसा उनके कितने काम आएगा। ये स्पॉन्सरशिप के पैसे हम उन्हें डोनेट कर सकते हैं। What do you think? यार इस रुख से तुमने पहले सोचा ही नहीं। यार थैंक यू सो मच, गिव मी हग। हेलो जी। हेलो, ये रोहिल का नंबर है ना? जी ये रोहिल का नंबर है। सब खैरियत है ना? रोहिल की तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी, आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे उसको छोड़ें, देखिए ये सब होता रहता है। मैंने आपको उस वक्त भी बताया था, क्रिएटिव लोग अगर ऐसे ना हो तो वो क्रिएटिव कैसे हो। बहरहाल मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारी दोबारा मुलाकात हो सके तो मुझे उम्मीद है अब तक रोहेल काफी हद तक ठीक हो चुका होगा। क्या ख्याल है, एक डिनर कर लें? Yes, sure. आप बताएं कब और कहां? तो बस फिर तय हो गया,
आप रोहेल को लेकर आ जाइएगा वहीं और हम फिर इंशाल्लाह ताला इस बार मुझे यकीन है कि विल रीच टू सम सॉल्यूशन और विन-विन सिचुएशन। ओके बाय। उससे अपोलोजाइज करने मैंने नहीं जाना। मेरे खातिर चलो, बच्चों के खातिर, कम ऑन। ठीक है, तुम्हारी खातिर, बच्चों की खातिर, लेकिन खाली एक दफा। ठीक है, डन। मेरे लिए फ्रेश ग्रीन टी बना के लाओ, ठीक है, जल्दी लाना। हेलो हेलो, मैं एनी बात कर रही हूँ। कौन? जावेद मेमन के घर से, मैं नूर की गवर्नेस हूँ। आपसे अक्सर दावतों पे मुलाकात हुई है मेरी। हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। बोलो, सब खैरियत है? जी खैरियत है, लेकिन सब कुछ खराब भी हो सकता है। उस खराबी को ठीक करने के लिए मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हारा मतलब समझी नहीं, इसीलिए आपसे मिलना जरूरी भी है ना। आपको इश्यू की इंटेंसिटी पता होनी चाहिए। ओके, अब तो मुझे डरा रही हो। इज एवरीथिंग ऑल राइट? एवरीथिंग कैन बी ऑल राइट, बट आई थिंक बाकी बातें ना हम मिलकर कर लेते हैं। अच्छा तो ठीक है, कल मिलते हैं 5 बजे। हैव अ गुड डे। सॉरी मसूद, मैं थोड़ा लेट हो गई। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। मेरा मतलब तुम्हें कोई डिस्टर्ब करना थोड़ा ही होता है। ओह कम ऑन मसूद, तुम मुझे डिस्टर्ब कभी भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारे आने का वेट करती हूँ। मसूद, मुझे तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं। Actually, सीमा। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ मसूद। मैं आजकल अलमास की वजह से कुछ अपसेट हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि वो पहले जैसी नहीं। कोई There is some change. I don't know what, but क्या हो गया है मसूद? तुम तो लड़कों की तरह पोजेसिव हो रहे हो। वो दो जवान लड़कों की माँ है, उसकी अपनी कुछ कमिटमेंट हो सकती है। जानता हूँ, मुझे मालूम है उसकी ये कमिटमेंट हमेशा से रही, और you know she is always a busy woman, but ऐसी नहीं थी। ऐसे उसे कभी मैंने खोया हुआ इस तरह से नहीं देखा। वैसे तुम्हारी अलमास से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? शायद कुछ रोज पहले। अब तो बातचीत बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे दो आशना किसी होटल की लॉबी में मिले हों। बस मेरे ख्याल में तुम्हें अलमास बात करनी चाहिए। बात को अपने तक रखने से खामखा बदगुमानी पैदा होती है, और यही बदगुमानियां रिश्तों को खा जाती हैं। हाँ शायद बात तो करनी चाहिए मुझे। चलो मसूद, डिनर इज रेडी। यार मेरा कोई खास मूड नहीं है डिनर का। चलो चखी लो मेरे साथ। अच्छा।
हाय। अब तुम्हारे घर के नौकर भी मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे। मैं समझा नहीं। वो क्या है तुम्हारी जो गवर्नेंस है, सीमा, सायरा? एनी। जी एनी, बताऊंगी लेकिन इन पर्सन। सर कॉफी। कॉफी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उस दिन मैंने आपकी बात पूरी सुनी नहीं। I'm sorry. यार, रोहेल ऐसी कोई बात नहीं। मुझे I was so sure कि हम बहुत जल्द किसी न किसी विन-विन सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। वैसे भी you know, हम तो मंडी में बैठे हुए लोग हैं यार, तो गाहक को ऐसे नहीं जाने देते। लेकिन इन दिस केस ऑल क्रेडिट गोज टू नूर। I always believed in Rohel. I know that. And तुम्हें पता है यार, ये चैरिटी वाला आइडिया किसका? नूर। क्योंकि नूर मेरी बहुत अच्छी दोस्त और अब मैनेजर। तुम्हें पता है, कर्सी हर, अब तुम्हारा गाना इस मुल्क में जहालत के खिलाफ बाकायदा एक जंग लड़ेगा। शुक्रिया। तुम हर ये बताएं कि आपने इस गाने की स्पॉन्सरशिप के लिए कितने फंड्स रखे? नूर, इनिशियली तो हमने 5 मिलियन इसके लिए रखे हैं, बट दिस नंबर कैन ग्रो। So I think जल्द से जल्द हमें स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से मिल लेना चाहिए। और रहेल का ख्याल ये है कि तमाम स्कूल्स को बराबर रकम मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है यार, नेक काम में देर कैसी, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या ख्याल है फिर? इंशाल्लाह। जी जनाब। तो क्या आप तुम्हारे मुलाजमीन भी मुझे नसीहतें करेंगे? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं, मगर वो जो तुम्हारी गवर्नेंस है ना, क्या नाम है उसका? एनी। हाँ। क्या कह रही थी वो? क्या वे? मुलाजमीन को उनकी औकात पे रखना चाहिए, उनकी जगह जूते के नीचे होती है, सर पे नहीं। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन वो क्या कह रही थी? तुमसे दूर रहने के लिए कह रही थी। वैसे जावेद, मुझे उसकी बातों में तुम्हारे लिए काफी पैशन नजर आया है। कह रही थी कि उसने नूर को माँ बन के पाला। को तुमसे ये बातें करने की जरूरत नहीं थी। कमान जावेद, एनी नहीं गवर्नेंस कहो, इसी नाम से पुकारो, वरना एक दिन तुम्हारी गवर्नेंस। अच्छा मैं आज ही उससे बात करता हूँ। हाउ डेयर शी। ओके बाय। मसूद, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? कि रोहेल के लिए 50 लाख की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, नॉर्मल बिहेवियर है। नहीं, आई डोंट थिंक इसका रोहेल के बिहेवियर से कोई ताल्लुक है। मेरे ख्याल से दिस इज अ केस ऑफ बैड इन्फ्लुएंस। मतलब वही जो तुम समझ रहे हो, माले मुफ्त दिले बेरहम।
वैसे भी हम तो उन लोगों में से है ना जो दूसरों के पैसों से मस्जिद को तामीर करके उसको अपनी नेकी में तसव्वुर कर लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि हमें इस तरह से सोचना चाहिए। नहीं मसूद, नूर रोहेल को सिद्धार्था बनाने पे तुली हुई है। मैंने तो पहले भी आपको इशारों इशारों में वार्न करने की कोशिश की है, मगर आपको कहां कुछ नजर आता है। एक दिन जब रोहेल हाथ में कशकोल लिए भीख मांगता फिरेगा ना, तो मुझसे मत पूछिएगा। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मतलब प्रॉब्लम क्या है? उसने पैसा अर्न किया, मर्जी से दे दिया, ठीक है, हम क्यों डिबेट कर रहे हैं? मसूद, आई कैन नॉट बिलीव कि आप ये बात कितनी आसानी से कह रहे हैं। रोहेल को अपनी म्यूजिक के बिकने से या उसको बेचने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। फकीर बनना चाहता है क्या वो? ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे कर रहा है, इसलिए कि इस उम्र में इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है, किसी को आइडलाइज करता है। वो मैंने भी किया था अपनी जिंदगी में, तो क्या हुआ? फिर आहिस्ता 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 मैंने सब कुछ अचीव किया और नाउ एट द मोमेंट आई एम अ वेरी सैटिस्फाइड मैन। I'm not convinced. लेकिन आप कहते हैं तो मैं चुप हो जाती हूँ। हेलो, थैंक यू। मेरे कहने पे आप चुप हो रही हैं? Come on, बेटा है हमारा। करने दो जो करना चाहिए। हम हैं ना? ये है एंड्रॉइड जनरेशन, सर पे हेडफोन्स और नजरें व्हाट्सएप पर। कौन कहता है कि ये बदल गई है? ये बच्ची की बच्ची तो है जैसी 5 साल की मुझे मिली। माँ बाप के लिए बेटियां कभी बड़ी नहीं। सर सब खैरियत है ना? कल पूरी रात आपके कमरे की लाइट जलती रही। हाँ, वो हमारी बातें सुनकर नींद नहीं आई। सर, आई एम सो सॉरी। मेरा मकसद आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसी बात नहीं, वो मेरी बेटी है, उसकी फ्यूचर के लिए परेशान होना तो बनता है। अब तुम ही मुझे बताओ, क्या रोहेल का गिटार मेरी बेटी को अच्छी लाइफ दे सकता है, लेविश फ्यूचर दे सकता है? सर, ये सब कुछ नसीब के खेल है, और जो उसके नसीब में लिखा है वो उससे कोई नहीं छीन सकता। आप खामखा ही परेशान हो रहे हैं, दोनों अभी बहुत छोटे हैं, और थोड़ा सा तो रोहेल को मार्जिन दीजिए ना। क्या पता ये सब कुछ वक्ती हो और बहुत जल्दी खत्म हो जाए। कैसे महसूस हो रहा है? जैसे मैं वापस शोर में आ गई। फिलोसोफर बन गई हो। आई लाइक इट। बड़ी जल्दी रकम का बंदोबस्त कर लिया है सिद्दीकी। पता लंबे ही हाथ मारा हुआ है। बस बोलना नहीं, बोलने की इजाजत नहीं। सब सुन, बस देखो।
बहुत अफसोस हो रहा है ना तुम्हें, दिल जल रहा है तुम्हारा, तुम्हारी मेहनत की कमाई, तुम्हारी हक हलाल की, खून पसीना एक करके कौड़ी कौड़ी जमा की हम छीन रहे हैं। इतने बुरे लोग हैं, सर ये तो कम है, क्योंकि साहब ने अपने पास से तो खुद कुछ भी ऐड नहीं किया। देखिए पूरी रकम क्यों नहीं लाए भाई? हाँ सर, मेरे पास जो कुछ भी था मैं वो ले आया हूं, आपके हवाले कर दिया। मैं पहले अपने किए कि सदा भुगत चुका हूं, मेरी बात कही थी, मेरे हाथ जोड़ो आपके आगे, रहम करें मुझ पे। सजा तो अभी शुरू ही नहीं हुई, कहां शुरू हुई? 12 घंटे में अगर तू बाकी की रकम ना लेके आ तो शुरू हो जाएगी सजा, बहुत खतरनाक होगी, ऐसी होगी कि तू सारी जिंदगी याद रखे। ऐसा थोड़ा ही है कि तू इतने सारे पैसे लूट के हमें इतने से नहीं, हम कोई प्ली बार्गेन नहीं कर रहे। 12 घंटे हैं तुम्हारे पास, 12 घंटे में मुझे बाकी की रकम टेबल पर चाहिए। जाओ चलो। बस हो गई है, बस हो गई है। अकलमंद लोग बहस नहीं करते, लेकिन तुझसे बईद नहीं है इसलिए कि तू अकलमंद है ही नहीं। अकलमंद होता तो क्या रकम वापस ले आता? बेवकूफ आदमी, आज तक कभी किसी ने रिश्वत की रकम वापस की है? तू कितना है मक्का वापस ही कर, अब वापस ही कर दी है तो कम से कम पूरी तो कर। चल जा, 12 घंटे, 12 hours, get lost। ये ब्रीफकेस तो ये लेके आया ना, सबने देखा होगा दफ्तर में, किसी और चीज में डाल दे पैसे पूरे, मैं ड्राइवर है ना उसको दे दे, ये ब्रीफकेस अपने कमरे में रख ले। जी रुखसाना, कैसी हैं? ठीक हैं। अच्छा बेटे का बुखार उतरा कि नहीं? उतर जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो चलो ठीक है, फिर बाद में बात करते हैं। क्या है? लो आगे बाबा। अस्सलाम वालेकुम सदीकी साहब। बाबा आज तो जवाब भी नहीं दे रहे सलाम का, क्या हुआ बाबा? अरे क्या हो गया, चुप क्यों लगी हुई है आपको? क्या? बाबा 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 क्या हुआ आपको? बाबा उठे। सदीकी साहब, सदीकी साहब तुम ख्याल रखो, मैं टैक्सी लेकर राहत, पानी लेकर आओ। पापा उठे, पापा।